जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024। एक और नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करवाना है, सारी चीजें हम बताएंगे। कौन कौन सी ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मूल्यांकन में कितने कितने नंबर आपको दिए जाएंगे डिग्री डिप्लोमा के, वो भी हम चर्चा करेंगे। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। फॉरम कहाँ मिलेगा, सारी चीज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो भाई देखते हैं फटाफट से इसकी सारी जानकारी। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2024 कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती है और ऑफलाइन आवेदन शुरू है। कोटा जिले की भर्ती है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे, रात को भी कमेंट आ रहे थे कि सर कोटा की बताओ, कोटा की बताओ। तो साथियों आपके कोटा जिले की भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल, केवल महिलाओं के लिए ये भर्ती होती है। आंगनबाड़ी की तो भर्ती महिलाओं के लिए ही होती है भाई, सबको पता है। बिल्कुल ऑफलाइन आवेदन करना है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट का पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट नहीं दे रखी है। तो क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था। तो जारी हुआ था साथियों 1 मार्च 2024 को, ठीक है। तो हमने अब तक 18 जिलों की नोटिफिकेशन देखी और 18 जिलों की भर्तियों की वीडियो भी बना दी है, चैनल के ऊपर डाल दी गई है। तो हमने देखा है कि जिस नोटिफिकेशन को जारी हुई है डेट, जो नोटिफिकेशन की, उस डेट के 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, वही उसकी लास्ट डेट होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 1 मार्च 2024 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया है तो अप्रैल तक आप इसमें आवेदन जमा करवा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, अच्छा ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोटा की जो भी महिलाएं हैं, निवासी हैं, वो अपनी अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के, आप अपने अपने CDPO कार्यालय में जाकर के पता कर सकते हैं कि सर हमारी भर्ती निकली है या नहीं निकली है। बाकी उसमें नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, ग्राम पंचायत भी दे रखी हैं, आप देख करके अपने CDPO ऑफिस में चले जाना, ठीक है। बिल्कुल आगे भी चर्चा करें। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं होगी। और जो भी महिलाएं कुंवारी हैं, लड़कियां, वो भी आवेदन कर सकती हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। जो शादीशुदा हैं वो तो करें ही करेंगी, जो अविवाहित लड़कियां हैं, कुंवारी छोरी हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं। जैसे कोई 12वीं पास है, कोई BA कर रही, कोई BSTC, कोई BED कर रही है, पढ़ाई कर रही है या पढ़ाई छोड़ चुकी है, 12वीं पास कर चुकी है, तो वो भी लड़की आवेदन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाहित और अविवाहित दोनों ही पात्र हैं, फॉर्म भर सकती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है साहब। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू भर्ती है। एज की बात करा तो 18 से 35 साल, ठीक, सबके लिए। SC ST के लिए 5 साल की छूट है। दिव्यांग कोई भी महिला है, चाहे जनरल OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी की हो, दिव्यांग तो दिव्यांग है, विधवा है, तलाकशुदा है, तो इनको 5 साल की छूट मिलेगी। उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर कोई विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग है तो सर्टिफिकेट, विकलांग, तुम्हारी तलाकशुदा है तो न्यायालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। 18 से 40 साल तक की महिलाएं भी फिर फॉर्म भर सकती हैं और SC ST को 5 साल की छूट है, ठीक है साहब। फॉर्म कहां से प्राप्त करना है, जमा कहां करवाना है, फॉर्म आपको फॉर्म लेना है CDPO ऑफिस में। सभी तहसीलों में CDPO ऑफिस होते हैं, हर तहसील में CDPO ऑफिस है, हमारे भी CDPO ऑफिस है, आपके भी CDPO कार्यालय है, वहां जाकर के आप अपने फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म कैसा मिले होता है वो भी हम बता देंगे। एक आपको
अपने घर में शौचालय का नियमित उपयोग कर रहे हैं, ऐसा एक घोषणा पत्र भी बनवाना पड़ेगा। शौचालय का घोषणा पत्र वो भी हम ही दे रहे हैं आपको, हमारे पास है। और जो शादीशुदा महिला है वो शादी का विवाह पंजीयन बनवाएगी, और जो कुंवारी लड़की है वो अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाएगी। उसको बनवाना नहीं है, बस वो तैयार है, फॉर्म उसको ही भरना है। फॉर्म भी हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए फॉर्म है जो भी हम आपको दे रहे हैं, फॉर्म भी दे रहे हैं, शपथ पत्र भी दे रहे हैं, कहाँ कहाँ भर्ती है, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में है, उसका नोटिफिकेशन भी हम दे रहे हैं, और मूल्यांकन में कितने कितने डिग्री डिप्लोमा के नंबर मिलेंगे वो भी हम आपको दे रहे हैं। पैसे लोगे क्या साहब? नहीं नहीं नहीं, हम पैसे नहीं लेते हैं, हम फ्री में ही सब कुछ देते हैं, क्योंकि अपना खुद का मित्र है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको दे देंगे, फ्री में लो आप। लेकिन फॉर्म जो है वो आपको CDPO ऑफिस में ही लेना है। हम जो आपको फॉर्म दे रहे हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वहाँ पर डाल दी गई है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं और उस फॉर्म को देख सकते हैं, कैसे भरना है, कैसे फोटो चिपकानी है, सारी चीज़ें उसमें है। लेकिन फॉर्म आपको लेना है तो CDPO ऑफिस में ही लेना है, जमा भी CDPO ऑफिस में ही करवाना है, वहाँ पर आपको रसीद भी मिलेगी, उस रसीद को भी साथ में लाना है, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा। बाकी किसी मित्र के चक्कर में आके फॉर्म भर के खुद की तरफ से जमा मत करवाना, वहाँ पूछ लेना, अगर वो कहें कि हाँ भर दो तो भर सकते हो, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो खुद दे रहे हैं फॉर्म तो खुद ही लेना, रसीद भी मिलेगी आपको, ठीक है। अगर कोई भी महिला ऐसी है जो कोटा शहर में निवास करती है, जिले में निवास करती है, तो वो कहाँ पर जाएगी, तो उनको भी देखो लोकेशन, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा, इस कार्यालय में आपको जाना है और फॉर्म लेना है, यहीं पर जमा करवाना है, सारे कागजों की डॉक्यूमेंट्सों की दो दो फोटोकॉपी करवानी है और उस फॉर्म के साथ लगानी है, और फिर आपको जमा करवाना है, ठीक है। फिर मिलेगा आपको क्या, तुम्हारा रसीद मिलेगी, बिल्कुल। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, फॉर्म है, शौचालय का घोषणा पत्र है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आधार, जनाधार, राशन कार्ड, मूल, जाति, दो फोटो, मार्कशीट, विवाहित प्रमाण पत्र, और कोई अविवाहित लड़की है तो अविवाहित प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र भी टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से डाउनलोड कर सकती हो, बिल्कुल। पात्रता और शर्तें क्या है, जो महिला जिस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है उसी ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए, स्थानीय निवासी, तो ही फॉर्म भर सकती है। अगर इस नोटिफिकेशन में आपकी ग्राम पंचायत का नाम ही नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकती हो, ठीक है जी। हाँ, ग्राम पंचायत का नाम तो होता है ना, सभी डॉक्यूमेंट्सों में लिखा रहता है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जैसे हमारी ग्राम पंचायत बानसूर है तो बानसूर का लिखा हुआ है। अब बानसूर में कोई भी भर्ती निकलेगी तो हम भर सकते हैं, ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। विधवा और तलाकशुदा जो महिला है उसको दोनों जगह से फॉर्म भरने की छूट है, वो ससुराल से भी भर सकती है और पीहर से भी भर सकती है, लेकिन होनी चाहिए विधवा और तलाकशुदा महिला ही, ठीक है साहब। जैसे मान लो कोई भी विधवा और तलाकशुदा महिला है, कोटा उसका पीहर है, तो पीहर से भी फॉर्म भर सकती है, उसी की ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है तो। और मान लो कोई विधवा और तलाकशुदा महिला का कोटा क्या है, ससुराल है, तो भी वो उस ग्राम पंचायत में फॉर्म भर सकती है जिस ग्राम पंचायत में वो रहती है और भर्ती निकली है तो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। विवाहित महिला और अविवाहित महिला दोनों ही पात्र हैं। चयन कैसे होगा, 10वीं 12वीं की परसेंटेज और मूल्यांकन का नंबर दोनों ने जोड़ के परसेंटेज बना के, और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। मूल्यांकन में कितने कितने नंबर मिलेंगे वो भी देख लो, स्नातक है तो एक नंबर, स्नातकोत्तर है तो दो नंबर, NTT BSTC नर्सिंग, आयुर्वेदिक नर्सिंग, BSTC BEd जो भी है उसका दो नंबर, ANM GNM कर रखी है कोई भी महिला लड़की तो तीन नंबर, RSCIT है, PGDCA डिप्लोमा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है, सारे के सारे फोटोकॉपी लगा दो, सबके नंबर जुड़ जाएंगे, इसके एक नंबर। कार्य अनुभव अगर आपके पास है, आपने कहीं आंगनबाड़ी में काम किया हो, इंटर्नशिप दी हो, तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना, चार नंबर आपको मिल जाएंगे। विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए, तीन नंबर मिलेंगे। तलाकशुदा है तो दो नंबर मिलेंगे। दिव्यांग कोई भी महिला है तो सर्टिफिकेट बनवा लेना, दो नंबर मिल जाएंगे। SC ST की कोई भी महिला है तो तीन नंबर मिल जाएंगे। भर्ती कहाँ कहाँ निकल रही है वो भी देख लीजिए। वेतन क्या मिलेगा, कार्यकर्ता को 9500 रुपया, सहायिका को 5500 रुपया मानदेय मिलेगा। रिक्त पद कोटा शहर में भी है, इटावा में है, लाडपुरा में है, सुल्तानपुर में है, चेचट में है और सांगोद कोटा,
सांगोद में है। यहाँ पर अपनी अपनी ग्राम पंचायत देख लेना। अब ग्राम पंचायत कहाँ मिलेंगी साहब, नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन ओमवी रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकती हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में यदि भर्ती निकली है तो आप आराम से फॉर्म लगा सकती हैं और अपने अपने CDPO ऑफिस में जाकर ट्राई करें कि सर हमारे यहाँ भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन दिखा देना टेलीग्राम पर जो डाल रखा है, उसको आप उनको दिखा देना कि सर ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन में देख लीजिए, तो फिर वो आपको बताएंगे सारी बात। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। अगर तुरंत ही आपको जवाब चाहिए कि सर हमें तो अर्जेंट है अभी जवाब दो, तो आपको ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से जुड़ना होगा। इंस्टाग्राम पर हम तुरंत आपका जवाब देंगे और आप चैटिंग में ही बात कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।